नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाता है और इसमें खासकर सऊदी अरब और रशिया। सऊदी अरब वो देश है जिससे भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का मैक्सिमम कच्चा तेल मंगाया करता था, लेकिन फिर एक-एक रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो गई। रशिया ने भारत को सस्ते दामों पर यानी डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल देना शुरू कर दिया और भारत अब अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से लेने लगा। लेकिन एक-एक रशिया के बीच में और सऊदी अरब के बीच में एक ऐसी खिचड़ी पकी कि इन दोनों देशों ने मिलकर कच्चे तेल का जो उत्पादन है यानी प्रोडक्शन है वो कम कर दिया, जिससे हुआ क्या दोस्तों, पूरी दुनिया में तेल की रिक्वायरमेंट तो लगातार सेम है, तो उससे हुआ क्या कि प्राइस धीरे 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 बढ़ने लगा। भारत ने कई बार रिक्वेस्ट करी है रशिया से कि आप प्रोडक्शन मत कम कीजिए, उससे हमारे लिए तेल लेना महंगा हो जाता है, लेकिन रशिया ने एक ना सुनी। लेकिन अब भारत वो वाला भारत नहीं रहा, भारत जवाब देना जानता है और भारत ने रूस को जवाब दिया है एक डील कैंसिल करके। अब रशिया आगे पीछे भारत के घूम रहा है, रशिया के बड़े बड़े अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये डील कैंसिल ना हो। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बार आपको हल्का सा न्यूज़ की हाईलाइट्स दिखाता हूँ, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, द हिंदू ने कहा है कि इंडियन आर्मी में बल्क ऑर्डर HAL यानी हिंदुस्तान एयरनॉटिकल लिमिटेड की बात कर रहे हैं, लाइट्स यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर, इंडो रशिया KA-2260 डील लाइकली टू बी कैंसल। यानी कि जो भारत और रशिया के बीच में हल्के हेलीकॉप्टर्स की जो डील हो रही थी वो संभवतः कैंसिल होने की उसकी पूर्ण संभावना है, क्योंकि रशिया जो कच्चे तेल के उत्पादन को लगातार घटा रहा है, इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इससे काफ़ी हद तक भारत को नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल इन्हीं देशों से मंगाता है, तो सिंपल सी बात है, भारत को तेल महंगा मिलेगा। तो वैसे ही भारत में अभी आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पर है, तो और महंगे हो जाएंगे। तो भारत ने जवाब दिया है रशिया को कि अगर आप नहीं सुनते हैं हमारी तो हम भी आपके नहीं सुनेंगे, क्योंकि रशिया ने कहा है कि व्यापार में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, व्यापार में केवल और केवल दोस्त होता है प्रॉफिट। तो अगर रशिया प्रॉफिट चाहता है तो भारत भी प्रॉफिट चाहता है। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। इससे पहले थोड़ा सा एक मैंने मैक्सिमम वीडियोस में स्लाइड्स दिखाई हैं अपनी, एक आपको ओवरव्यू देता हूं कि सिस्टम चल क्या रहा है। देखिए, आज से 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई। इस वॉर की जैसे शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया ने रशिया पे सेंशन से नहीं प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। भारत ने इन सारे प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदने की शुरुआत कर दी, क्योंकि रशिया ने भारत को भारी भरकम डिस्काउंट दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस समय में अगर मैं मई की बात करूँ, अप्रैल मई की बात करूँ, तो अप्रैल मई में रशिया भारत को एक बैरल पर लगभग $20 का डिस्काउंट दे रहा था, तो एक भारी भरकम डिस्काउंट मिला था। तो भारत ने पूरी दुनिया को दरकिनार कर दिया, किसी के प्रेशर में नहीं आया और रशिया सस्ते दाम पर तेल खरीदना जारी रख दिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अपने टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल भारत रशिया से खरीदने लगा। ये कई गुना ज्यादा था, अगर सऊदी अरब, UAE, इराक और US को कंबाइंड कर दे तो उससे कहीं गुना ज्यादा हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे थे। मई महीने का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो दोस्तों, मई महीने में 1.96 मिलियन बैरल पर डे हम कच्चा तेल, लगभग 20 लाख बैरल एक दिन में कच्चा तेल हम रशिया से खरीद रहे थे। कितनी सारी क्वांटिटी थी, क्योंकि रशिया में डिस्काउंट पे दे रहा था तो हमने उस डिस्काउंट का फायदा उठाया। लेकिन दोस्तों, एक क्या होता है, अब रशिया की सेटिंग होती है सऊदी अरब से, अब सऊदी अरब के झाल में फंस जाता है रशिया और धीरे 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 हमें डिस्काउंट देना कम कर देता है। इसके अलावा अपने तेल का उत्पादन कम करने लगता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ऑयल प्रोडक्शन कम करने का जो गेम है ये सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का शुरू से एक नीति रही है, इसने भारत को बहुत ठगा है। क्या नीति है इसकी, जब भी दुनिया में तेल की डिमांड ज्यादा हुई, कच्चे तेल की डिमांड ज्यादा हुई, तो अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और फिर कहा देखिए अभी तो हमारे पास तेल का उत्पादन है नहीं, तेल है नहीं, कच्चा तेल है नहीं, आपको तेल अगर चाहिए तो जो हमारे पास रिजर्व में तेल पड़ा है वो ले लीजिए, लेकिन उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा। तो मतलब प्राइस हाई करके बेचते थे प्रोडक्शन कम करके। यही बात सऊदी अरब ने रशिया को समझाई, रशिया भी झांसी में आ गया और रशिया ने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और रशिया और सऊदी अरब ने दोनों ने मिलकर कहा है कि हम दिसंबर 2023 तक अपना उत्पादन लगातार कम करेंगे। और इसके अलावा रशिया ने भारत को डिस्काउंट, जो एक बैरल पर $20 का डिस्काउंट दे रहा था, वो भी डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया। इससे होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे भारत ने अपनी टोटल रिक्वायरमेंट्स का जो कच्चा तेल रशिया से ले रहा था उसको कम करना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, जुलाई में 2.1 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहा था, तो फिर अगस्त में 1.63 मिलियन बैरल पर डे हो गया। इसके अलावा अभी भी ये लगातार कंटिन्यू डाउन हो रहा है, हमने इराक, UAE से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, सऊदी अरब और अभी
रशिया से थोड़ा सा हम दूरी बना रहे हैं। अब यहां पर हमने डाउन कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो गेम खेल रहे हैं दोनों देश रशिया और सऊदी अरब मिलके कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे, ये है क्या असलियत में? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सऊदी अरब रशिया ने दोनों ने मिलके कहा है कि हम इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2023 तक अपना उत्पादन लगातार कम करते रहेंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि हम 1 मिलियन बैरल पर डे हम कट करेंगे 2023 तक, मतलब जितना हम टोटल उत्पादन कर रहे हैं पर डे उसमें 1 मिलियन बैरल पर डे कम करेंगे, 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास बैरल हम कम उत्पादन करेंगे। जबकि रशिया ने कहा कि हम 3 लाख बैरल पर डे उत्पादन कम करेंगे, ये कहा है पर डे कहा है 3 लाख बैरल कम उत्पादन करेंगे। अब होगा क्या इससे, अगर ये सिस्टम ये कंटिन्यू करेंगे तो इससे क्या होगा, भारत में तो पहले से ही तेल के दाम ज्यादा है, तो अब भैया और भी तेल के दाम बढ़ने लगेंगे। तो भारत ने कहा भाई ये तो गलत है। भारत के अधिकारियों ने रशिया से बात करने की कोशिश की कि भाई आप तो हमारे दोस्त हैं, दुनिया में कहा जाता है कि आप हमारे मित्र राष्ट्र हैं, जब पूरी दुनिया ने आप पे सैंक्शंस लगाए प्रतिबंध लगाए तो हम पूरी दुनिया से नहीं डरे और आपकी दोस्ती का सपोर्ट करा और आपसे तेल लेना जारी रखा। ठीक है, हम सस्ते दाम पर दे रहे थे, अगर हम नहीं खरीदते तो कहां बेचते, हमने दुनिया की नहीं सुनी और आपसे सस्ते दाम पर तेल खरीदते रहे। लेकिन रशिया ने कोई इस पर खास ध्यान नहीं दिया और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन भारत ने कहा कि मैं जवाब देना जानता हूं, और भारत ने कर दिया काम। भारत ने एक बहुत बड़ी डील कैंसिल कर दी, जो डील थी रिलेटेड टू द हेलीकॉप्टर, यानी कि कामोव हेलीकॉप्टर डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया के बीच में जो हुई थी सन 2015 में, गोवा में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पे एक डील हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया, मतलब कैंसिल करने की ओर अग्रसर है वो। आइए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। इंडिया और रशिया ने साइन किया था एक डील के ऊपर जॉइंटली। ये क्या डील थी कि दोनों मिलके प्रोड्यूस करेंगे 200 कामोव KA-2-260 हेलीकॉप्टर एट इंडिया रशिया समिट इन गोवा। गोवा के अंदर जो भारत और रूस के बीच में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन दोनों देशों ने मिलके साइन किया था कि हम दोनों देश मिलके मेक इन इंडिया के तहत 200 कामोव KA-2-260 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेंगे, निर्माण करेंगे। अब आइए मैं थोड़ा आपको कामोव KA-2-260 हेलीकॉप्टर्स के बारे में बता देता हूं। ये बहुत छोटा होता है, डबल इंजन होता है, इसमें रशियन हेलीकॉप्टर है और इसको मैन्युफैक्चर करता है रशियन हेलीकॉप्टर्स नाम की कंपनी है रशिया के अंदर, वो इसका निर्माण करती है। ये लाइट वेट है, बहुत ज्यादा लाइट है। दिस लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैज ए मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ 3.6 टन, मतलब टेक ऑफ जो इसका वेट है वो 3.6 टन है और ये कैरी कर सकता है पेलोड 1 टन का पेलोड। इसकी मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि हम 200 लाइट मल्टी रोल कामो KA-2-260 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे, जिसमें शुरुआती दौर में 60 हेलीकॉप्टर का निर्माण रशिया में होगा, बाकी 140 हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा। तो ये डील थी और डील पे धीरे 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 काम चला था। लेकिन जब रशिया ने ये दिखा दिया कि भाई ट्रेड में प्रॉफिट हमारे लिए प्राइमरी है, तो भारत ने कहा ठीक है भाई, जब आपके लिए ट्रेड में प्रॉफिट प्राइमरी है तो हम भी हेलीकॉप्टर क्यों आपसे ले, हम फ्रांस से लेंगे या अमेरिका से बात करेंगे, वहां से बात या फिर जर्मनी से बात करेंगे, आपसे क्यों बात करेंगे, हम भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, हम तो दोस्ती निभाएं और आप प्रॉफिट देख रहे हो। तो अब रशिया के समझ में आ गया कि भाई ये तो मामला गड़बड़, तो रशिया के अधिकारी आगे पीछे घूम रहे हैं भारतीय अधिकारियों के। और रशिया ने ये भी कहा कि हाँ हम आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे ऑयल में, लेकिन भारतीय अधिकारी अब सुन नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत भारी भरकम नुकसान है रशिया को। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस डील के कैंसिल होने के बाद, तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायस बैच के बारे में। देखिए निर्णायस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशन होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिशन है, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट भी यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, 25% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस कोर्स से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है तो आप हमारे नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है।
और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर बताइएगा कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि आप हमारी वीडियो को पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जगह जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।